हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास में। तो आज अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे आपसे मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए जो है दो शब्द आते हैं ना, एक शब्द नहीं है, दो शब्द आते हैं। और उन्हीं दो शब्दों के आधार पे आपको यहाँ पे तय करना होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या। ठीक है, अगर मुझे बताना कि फॉर सपोज, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के आधार पे आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपके लिए ये जो मॉनेटरी पॉलिसी शब्द है। हाँ, सुनील, दीपा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे आपके लिए जो शब्द होता है समझिएगा, जैसे अगर मैं कह दूं आपके लिए, मान लो आप यहाँ पे एक बैंक, ठीक, आप यहाँ पे एक बैंक हो, और यहाँ पे अगर ये अगर आप बैंक, ठीक है, तो मुझे बताना कि अगर आपको कस्टमर के लिए सुविधाएं देनी हो, तो अगर बात की जाए, सुविधाएं मतलब कि मान लो उसको, जैसे अगर मान लो कि उसे लोन चाहिए, ठीक है, लोन चाहिए, या फिर उसको यहाँ पे आपका अपना एक बचत खाता खुलवाना है, ठीक, तो आप उसको क्या क्या सुविधा दे सकते हो एक बचत खाते में, एक लोन में। ओहो, ओ माई गॉड। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी युवराज, गुड आफ्टरनून। अमन, जय हिंद। सबा, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी हैप्पी, मी टू, मिस यू टू। हाँ जी अदिति, हर्षिता, गुड आफ्टरनून बेटा। जमीर, सोनी, संगम, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी राजवर्धन, अंकुर। हाँ जी दीपा, गुड आफ्टरनून। सुनील, अ वेरी गुड आफ्टरनून दिया। हाँ जी थैंक यू सो स्वीट आफ्टरनून भाई। हाँ जी सपना, गुड आफ्टरनून। अक्रम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ जी सिकंदर, गुड आफ्टरनून। नमस्ते नमस्ते अभिषेक जी। हाँ जी अब्दुल्ला, गुड आफ्टरनून। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुहेब, दोनों पढ़ा लेते हैं, ठीक है। हाँ जी हर्षिता, गुड आफ्टरनून। सिकंदर, गुड आफ्टरनून। सुहेब, नहीं, देखो मैं आपको बताऊँ, आप लोग का ये कंफ्यूजन होता होगा। आयुषी, मृणाली, गुड आफ्टरनून। आयुषी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी हाँ जी सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी हाँ जी ओके। संडे की क्लास अपलोड नहीं होगी क्या? संडे की क्लास अपलोड हो गई है बेटा, आप जाओ उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। हाँ तो कहाँ थे? हाँ जी आज सर आज क्वालिटी पढ़ाओगे? क्वालिटी नहीं, पीछे क्या लिखा है? पीछे देखो क्या लिखा हुआ, पीछे क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ये क्या लिखा हुआ, शेयर बाजार, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे बाबा आज, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, हाँ जी हाँ जी ये लगा नहीं, पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड लगा हुआ है आपके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। हाँ जी खुश रहिए खुश रहिए, ड्रीम LBSNA, ठीक है। अगर कभी कोई यहाँ पे गाइडेंस की बात हो आप तो ले सकते हो ना। अच्छा पुष्पांजलि, अच्छा। हाँ जी खुश रहिए खुश रहिए। हाँ जी हाँ जी उदित, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर कौन सी क्लास लेते हैं? सर कौन सी क्लास है आपकी? अरे शेयर बाजार, इकोनॉमिक्स की क्लास है बाबा, कितना ऑब्वियस है ना। कहो तो पैसा ऐसा लगा दिया करें बैकग्राउंड में, तब आप लोग क्लियर हो जाएगा ना। उदित, प्रियंका, हाँ जी गुड आफ्टरनून। अब देखो जैसा बैकग्राउंड हो कोशिश मैं यही करूंगा। हाँ जी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है सर? हाँ वही मैं पूछ रहा था। अच्छा मेरे पहले सवाल सब लोग ध्यान से सुना। शिव, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी अच्छा कुमकुम, स्वागत है आपका क्लास में बेटा, लेकिन अच्छा बढ़िया है ना, चलो चलो ठीक है। हाँ ये तो बात सही है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी अभी कुछ नहीं, अभी शुरू हुआ, ठीक है। आप ध्यान सुनो, अब मुझे बताओ कि अगर आप एक बैंक को, ध्यान समझ, ठीक, तो आप एक कस्टमर के लिए क्या क्या काम कर सकते हो, बस मुझे ये बताओ क्या क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। हाँ जी राजमणि जी, गुड इवनिंग। राजेश, गुड इवनिंग, बताओ क्या काम कर सकते हो। अगर उसे यहाँ पे लोन देना हो तो बताओ, सस्ता लोन दे सकते हो या महंगा लोन दोगे? लेकिन जब दोगे तो उसपे यहाँ पे आप एक रेट के आधार पे तय करोगे नहीं करोगे, बस मुझे बताओ। क्या एक यहाँ पे रेट होगा ना जो तय करेगा, एक इंटरेस्ट रेट होगा जो तय करेगा? गुड आफ्टरनून बेटा नेहा, शिव। हाँ जी बोलो, एक इंटरेस्ट रेट होगा ना? हाँ जी बोलिए, बाहरी बैठे, ठीक है बोलो। एक इंटरेस्ट रेट ही तो तय कर पाओगे अगर आप एक बैंक हो, और आपको अगर सस्ता लोन देना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे उसको क्या करोगे, यहाँ पे कम दर पे, ब्याज दर पे पैसा दे दोगे, ठीक। अगर महंगा देना है तो ब्याज दर क्या करोगे, कम करोगे कि बढ़ा दोगे? मेरा सवाल है अगर आपको। हाँ जी गुड आफ्टरनून अवधेश, बहुत इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप कृपया बात सुने, ठीक है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, मुझे बताना, अगर उसको आपको यहाँ पे सस्ता लोन देना है तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा या ज्यादा किया जाएगा, बस ये बता दो। अश्मिता बेटा गुड आफ्टरनून, बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करोगे या ज्यादा करोगे, फटाक से बताना, बताओ। अगर उसको सस्ता लोन देना है तो इंटरेस्ट रेट कम करोगे कि ज्यादा करोगे? ये जो मैं अभी आप चीज सीख रहे हो, इसी में पूरा मॉनेटरी पॉलिसी आपका छिपा हुआ, कैसे वो बता देंगे आपको, ठीक है।
तो देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, आपने क्या कहा, देखो समझो मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर आप बैंक पे होते ठीक, तो और अगर आपको यहाँ पे कस्टमर को सस्ता लोन देना होता, बात को समझना, सस्ता लोन अगर देना होता तो यहाँ पे जो आपके ऋण की दर क्या है, आपके लिए ऋण की दर है जिसको हम लोग इंटरेस्ट रेट कहते हैं प्यारे साथियों, ये आप कम कर देते। बोलो ऑब्वियस चीज है कि नहीं, बताओ क्या कर देते आप यहाँ पे, इसको कम कर देते ठीक है भाई। तो लेकिन अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपने कम तो कर दिया, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अब मान लो अगर आपको यहाँ पे महंगा लोन करना है, मान लो उल्टा हो गया, अब आपको यहाँ पे महंगा लोन करना है तो इंटरेस्ट रेट क्या करोगे, बढ़ा दो। बात को समझो, ये बहुत कॉमन सी चीज कह रहा हूं मैं, ठीक है, कि अगर महंगा करना है तो इंटरेस्ट रेट क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे ठीक। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। अब देखो इसी के आधार, हाँ जी जादू है ये जादू, ठीक है हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, समझिएगा, तो जब मैंने आपसे ये कहा कि जब आप इंटरेस्ट रेट को घटाओगे बढ़ाओगे तो लोन महंगा और सस्ता होगा ठीक, तो ये तो हो गया आपका बेस। अब देखो मैं बिना कुछ पूछे सिर्फ एक चीज पूछूंगा, देखें कितने लोग इसका राइट आंसर पकड़ पाते हैं। पकड़ने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको पता होगा तभी बता पाओ ठीक है। मेरा सवाल है आपसे, जरा ध्यान से बताइएगा कि यहां पर अगर मान लो, अब सुनो, अब यहाँ पे रिलेशन बदल गया, अब यहाँ पे मैंने आरबीआई रख दिया बैंक की जगह पे, और बैंक की जगह यहाँ पे आप कस्टमर की जगह पे रख दिया बैंक ठीक। अब जब मैंने आरबीआई को बैंक की जगह रखा और कस्टमर की जगह पे रख दिया बैंक, अब मुझे बताना ध्यान से, जब आरबीआई को, ध्यान सुनना, जब आरबीआई को यहां पे सस्ता लोन देना होगा बैंक को, सस्ते लोन का मतलब जब ज्यादा पैसा देना होगा लोन यहां पे बैंक को, अब वो यहां पे रेपो रेट क्या करेगा, बताओ। सेम वही कॉन्सेप्ट है, अब वो रेपो रेट में क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा। सर आज तो कैंडिडेट्स की सेंचुरी लग गई। हाँ शेर सही कह रहे हो, तो बताओ वो रेपो रेट यहाँ पे आपके दो तीन बैच है ना इसके, यूपी ट्रिपल एससी के अभी। अच्छा अच्छा आप लोगों को पता नहीं, बहुत बड़ा बैच है आप लोगों का यूपी। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों से यहाँ पे चाहूंगा, एक छोटी सी चाहूंगा, बताओ क्या करेगा, कम करेगा या ज्यादा करेगा, पहले तो ये बता दो। मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ मैंने आपको लोन बताया, लोन के आधार पे मैं ये बता रहा हूँ। तो बताओ अगर उसको सस्ता लोन देना है तो मेरे प्यारे साथियों वो इसको कम करेगा, पहले तो ये अच्छे से समझ जाओ, यहीं पे समझ जाओ, फिर जो मैं बताऊंगा फिर मैं फटाफट बताता चले ठीक है। तो अगर उसे सस्ता लोन देना है तो वो रेपो रेट क्या कर देगा, कम कर देगा। ज्यादा पैसा देना है तो रेपो रेट कम कर देगा ठीक। अब मुझे जरा इसका उल्टा समझा देना कि अब यहां पे उसको देना है महंगा पैसा, महंगा लोन देना है, यहां पे अगर बात करें तो कम यहां पे उसको पैसा देना है, महंगा लोन देना है और कम पैसा देना है, अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, जल्दी से बताना, अब वो क्या करेगा आपका, बताओ, अब वो रेपो रेट बढ़ा देगा। आपको समझो, अब वो क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, तो इसको मैं उल्टा कहता हूं ठीक है। तो अब यहां पे आपके लिए रेपो रेट क्या हो जाएगा, बोलो, रेपो रेट आपके लिए बढ़ जाए। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ठीक, रेपो रेट के मतलब समझ में आ गया ठीक। अब मुझे जरा ये बता दो बस आप लोग मिल करके कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा, सिर्फ ये बता देना कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा, आपका मतलब अगर मार्केट में ज्यादा पैसा है तो सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि यहां पर अगर बात की जाए तो ज्यादा पैसे का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लोग जो है ज्यादा आपके यहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं। बोलो हाँ के ना, ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं भाई, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। हाँ प्रिया ने कल ये, वेट अ मिनट, एक मिनट बेटा रुक जाना, कल प्रिया बेचारी कल से परेशान है। देखो प्रिया, अगर आपका यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा है, बात तो समझना मेरी बात, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपके मोबाइल। मैं कल इस चीज को सोच रहा था इसलिए मैंने आपसे पूछा भी था। तो अगर आपका माइक्रोफोन नहीं ऑन हो रहा तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे अपने भैया या पापा के एक बार मोबाइल से ट्राई करके फिर मुझे बता दो। अगर फिर भी स्टिल वही, देखो यहाँ पे देखो पुष्पांजलि ने बताया है ऑडियो सेटिंग चेंज करिए, बताइए समझे, ऑडियो सेटिंग चेंज कीजिए ठीक है। दो चीजें कर लेना, मोबाइल चेंज करके देख लेना, नंबर टू, नंबर वन यहाँ पे आप जो है ऑडियो एक बार सेटिंग चेंज करके देख लेना। अगर इसके बाद भी प्रिया अगर आपको दिक्कत होती है, देखो यहाँ पे तारिक ने एक और अच्छी चीज बताई है, ऐप को परमिशन दो ऑडियो के लिए, तो एक काम करो फिर से इंस्टॉल करके, फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, तो शायद यहाँ पे आपको सही चीज। हाँ निशान ने पूछा सर रेपो रेट क्या, तो अभी एक चीज समझ में आएगी, पहले बस इतना समझ लो कि कब घटा बढ़ा तो क्या हुआ, बस अभी इतना समझ लो। तो यहां पर आपका उत्पादन बढ़ेगा, समझना, तो आपको जब डिमांड बढ़ानी होती है, मतलब समझना,
जब डिमांड बढ़ानी होती है, मतलब जब यहाँ पे आपको महंगाई बढ़ानी है, बोलो डिमांड बढ़ेगी तो मतलब महंगाई बढ़ेगी, ये चीज समझ में आ गई? बस मुझे एक एक शब्द समझाते रहना, एक एक शब्द मुझे यहाँ पे मेरे भरोसे पर बताते रहना कि सर जब आप जब ऐप ओपन होगा तो उस पर कॉल ओवर इंटरनेट का ऑप्शन आ जाएगा तो उस पर क्लिक कर देना। हाँ देखो अनुराग ने क्या कहा, देखो समझ लो यहाँ पे कॉल ओवर इंटरनेट का बेटा ऑप्शन, कितने सारे लोग तो आपकी हेल्प कर रहे हैं बेटा, है ना, कॉल ओवर इंटरनेट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना, माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। बोलो प्रिया हो जाए तो यस सर करके सबसे थैंक यू एक बार बोल देना, ठीक मुझे नहीं बाकी सबको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो अगर बताओ डिमांड अगर बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। हुआ क्या था, हुआ शुरुआत हुई थी आपके रेपो रेट को घटाने से, समझना, रेपो रेट को घटाया बैंक को ज्यादा पैसा मिला, बैंक को ज्यादा पैसा मिला तो कस्टमर ने उत्पादन बढ़ा दिया, कस्टमर ने अगर उत्पादन बढ़ा दिया तो डिमांड बढ़ गई, अगर डिमांड बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई। तो मतलब जब मुझे महंगाई बढ़ानी हो, अब समझना, अब यहां पे अगर मैं पूछूं मुझे अगर महंगाई बढ़ानी हो तो बता देना कि यहां पे मैं रेपो रेट कम करूं या ज्यादा करूं, ये आपके एग्जाम। अब जरा फटाक से बताना बेटा कि अब अगर मुझे महंगाई जो है वो यहां पे बढ़ानी है तो मैं रेपो रेट को कम करूंगा या ज्यादा करूंगा। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज पता है कंफ्यूज हो गए, समझो मैंने वही सवाल पूछा है, केवल यहाँ पे शुरू और एंड की चीज ले ली, बस फिर से दोहरा देता हूँ आपके लिए क्योंकि ये समझना ज्यादा कठिन है, इसके बाद तो फिर आपने तड़ी पार कर दी, ठीक है समझना इसको। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि जब यहाँ पे आपने रेपो रेट कम किया, आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो बैंकों को लालच आ गया, उसने और पैसा अपने पास रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ तो हेडफोन भी लगा सकती है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप वो जल्दी से भागे या ज्यादा पैसा लेने के लिए, सस्ता लोन मिल रहा है, ठीक। तो रेपो रेट कम है मतलब सस्ता लोन मिलेगा, मतलब ज्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक। अब जब ज्यादा पैसा आ गया तो उसने यही पैसा जाकर के कस्टमर को दिया, अब कस्टमर के पास पैसा बढ़ गया, उसने क्या सोचा, लाओ फैक्ट्री एक और लगा दी, उसने फैक्ट्री लगा दी चुपचाप। अब जब फैक्ट्री लग गई तो आपके यहाँ पे डिमांड जो मार्केट में थी वो बढ़ गई, डिमांड क्या हो गई आपकी, डिमांड जो है मार्केट में वो बढ़ गई। तो महंगाई बताओ क्या हो गई आपकी, महंगाई बढ़ गई। अगर सामान ज्यादा हो गया तो आपके लिए महंगाई क्या हो गई, वो बढ़ गई, ठीक है। हाँ जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू श्री। तो यहाँ पे आपके लिए अगर महंगाई बढ़ी है तो रेपो रेट क्या हो गया, रेपो रेट कम हो गया, ठीक है। पहले अब जरा सब लोग जितने लोग हो, 100 के ऊपर हो, सब लोग एक साथ बताओ, अगर क्लियर हो गया हो तो यस सर, अगर बेटा अभी भी ना हुआ हो तो पूछ लो, अभी भी पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा, भले 100 ना हो या 200 हो लेकिन मैं एक बच्चे को जरूर क्लियर करूंगा। जितने भी हो अगर तुम्हें क्लियर ना हुआ हो सिर्फ कह देना सर नहीं हुआ, ठीक है। एक का भी अगर मुझे दिख गया एक बार और रिपीट करना है क्या, नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जरूर बताएंगे, सबको बताएंगे, ध्यान सुन लो। तो देखो यहाँ पे देखो अभी नहीं आया ना, देखो एक बार और यहीं पे देखो मैं एक और एग्जाम्पल लेके बता, समझना। देखो अगर मैं कहता हूं आपसे कि यहाँ पर टॉफी, टॉफी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, टॉफी सबको पसंद है, ठीक। मुझे बताना कि टॉफी अगर आपके पास 2 रुपए की है और एक तरफ मिलती है 10 रुपए की, कौन सी टॉफी आप लोगे, बताओ कौन सी टॉफी लोगे। सिर्फ ये आप वो बच्चे बोलेंगे जिनको समझ में नहीं आया, बताओ दो वाली लोगे ना, यानी आप कह रहे हो कि सर हम सस्ती वाली टॉफी लेना पसंद करेंगे, हम महंगी वाली नहीं लेंगे। तो आप यहाँ पे अगर आपकी जेब में मान लो 10 ही रुपए हैं तो आपको 2 रुपए में ज्यादा पैसे यहाँ पे ज्यादा टॉफी मिलेंगी, बोलो हाँ कि ना, बोलो 2 रुपए में अगर आपकी टॉफी है तो ज्यादा टॉफियां मिल जाएंगी, ठीक। अब इसी जगह पे अब समझना जमीन है आपके में क्वेश्चन आते हैं, अभी देखो कैसे कैसे ये बता रहा हूँ, सेम यही क्वेश्चन आया आपके, ठीक है, ये आरबीआई में जुड़ के आता है, ठीक है समीर बेटा, ठीक है। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, मान लो दोनों क्वालिटी अच्छी है, वो चीज अलग है। अब इसकी जगह पे मैंने रख दिया लोन, क्या रख दिया लोन, ठीक। अब एक तरफ एक आदमी आपको दे रहा है सस्ता लोन और एक दे रहा है आपको महंगा लोन, कौन सा लोगे आप बताओ, जिनको नहीं समझ आया बस वो फिर से बताएंगे, कौन सा लोगे, सस्ता लोगे, ठीक है। तो आपने लिया सस्ता लोन तो इसका मतलब क्या हुआ, लोन की रेट बताओ यहाँ पे कम होंगे कि ज्यादा होंगे, आप समझ जाओ लोन के रेट कम होंगे कि ज्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे, बोलो, बहुत ऑब्वियस सी चीज है, लोन के रेट कम होंगे तभी आप सस्ता दे पाओ, अगर सस्ता दोगे तो पैसा यहाँ पे आपके पास
ज्यादा हो जाएगा। और अगर पैसा ज्यादा होगा तो इसको ऐसे और समझ लो कि यहाँ पे फिर आप खर्चा ज्यादा करोगे नहीं करोगे, इसको ऐसे समझ लो, वैसे आपको समझने दिक्कत हो जाएगी। बताओ खर्चा ज्यादा करोगे नहीं करोगे? अगर मैं कह रहा हूं आपकी सैलरी जो है वो बढ़ गई तो खर्च भी बढ़ेगा, ठीक, पक्की बात है बिल्कुल। अगर खर्चा बढ़ा, ठीक, ध्यान समझना, अगर खर्चा बढ़ा तो मुझे बताओ मांग बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बस ये बता दो। अगर खर्चा बढ़ा तो बताओ मांग बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सब लोग वो बच्चे बोलेंगे केवल जिनको नहीं समझ में आया, अभी बाकी सब देखें यहाँ पे शांति से, 5 मिनट की बात है, उनको भी क्लियर हो गया, वो आपके साथ ही आगे बढ़ जाएंगे ना, ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बोलो सबको क्लियर हो गया। अब इसी के आधार पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊं कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो अब सवाल समझना, मैंने पूछा यदि बाजार में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, यहां से सुनते रहना, नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा, नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा? बेटा ये सब सवाल है, आप चाहो तो अपने पेपर में देख लेना, ठीक है, इसी से मिलता जुलता होगा, ये तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, इसी से मिलता जुलता होगा, ठीक है। विवेक कह रहे सर बहुत कंजूस लोग हैं, खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब समझो मैंने सवाल क्या पूछा, what RBI will do to control inflation, inflation मतलब महंगाई को कहते हैं, ठीक है, बस सब शब्द समझ लेना, इन्फ्लेशन इन मार्केट, ठीक है, ये महंगाई होती है आपके लिए, ठीक। अब चलो ऑप्शन नंबर वन क्या करेगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा कि वो आपका CRR को घटाएगा, कैश रिजर्व रेशियो को घटाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए कि वो यहाँ पे CRR को जो है आपका CRR नहीं लेते हैं, ठीक, अभी कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे जो है वो आपका क्या करेगा, वो जो है आपके लिए, हाँ, वो जो है यहाँ पे बैंक को निलंबित कर देगा। नंबर वन वो बैंक को क्या कर देगा आपका, निलंबित कर, ठीक है। नंबर टू वो क्या करेगा, यहाँ पे रेपो रेट को घटा देगा। और नंबर थ्री हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए कि वो रेपो रेट को बढ़ा देगा। अभी समझना, उसी से बेटा बेस्ड पे है, कॉन्सेप्ट लगा के करना वरना गलत हो जाएगा सबका, ठीक है, सोच के करना, मैंने क्या बताया था उसी आधार पे करना, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा आपके लिए कि यहाँ पर आपके लिए कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अब बता दो कौन सा ऑप्शन आप चुनोगे, रट के बेटा मत समझना, मैंने जो समझाया उसी के आधार पे दिमाग लगाना, दिमाग, तुम्हारा दिमाग तुम्हें जवाब देगा, मेरा भरोसा रखना, तुम्हारा दिमाग तुम्हें राइट आंसर पे पहुंचा देगा। मैंने देखो क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि जब रेपो रेट कम था, मोहित आपका मैसेज मिल रहा है, जब रेपो रेट कम था तो महंगाई बढ़ी थी, बात को समझो, जब रेपो रेट कम था तो महंगाई बढ़ी थी, अब ये बढ़ गई है तो अब रेपो रेट का क्या करो, बोलो, अब रेपो रेट का क्या करोगे, तो आप रेपो रेट बढ़ाओगे ना, ताकि जब रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी, बोलो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। अतुल आपका सही है, ठीक है। अब वो लोग बता दो जिनको एक बार में क्लियर नहीं हुआ था, अब वो लोग बता दो, सबको क्लियर हो गया, ठीक है, हैप्पी बेटा, किरण ठीक है, हर्षित आ रहे हैं आपके मैसेज, ठीक है। रेपो रेट क्या है, अभी श्रीप्रकाश बताएंगे, अभी परेशान हो, बिल्कुल परेशान हो, सब कुछ बताएंगे, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। बस तुमने यहाँ पे आधी बाधा जो है पार कर ली, बस ये जान, अब मैं जो भी बोलूंगा तुम तड़तड़ समझोगे, ठीक है। तो अब समझो कि यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी है, समझना इसको, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, समझ लेना इसको, इसको हिंदी में हम लोग यहाँ पे आपका मौद्रिक नीति कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे मौद्रिक नीति कहते हैं। तो मौद्रिक नीति का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे ये क्या कंट्रोल कर रहा है, बस ये बता दो, मौद्रिक नीति का मतलब ये क्या कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हरीश
हाँ ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, हाँ क्या हो गया? हाँ बोलो, किसको कंट्रोल कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी हरीश से भी पूछा करेंगे अभी, ठीक है। हाँ तो अगर बात करें यहाँ पे, एक मिनट हरीश बेटा, ठीक है हर्षित, ठीक है ना? ठीक है चलो भाई ठीक है। हाँ बताओ, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आपका पैसे को नियंत्रित करता है। पैसे को नियंत्रित अगर यहाँ पे कहा जाए, तो जैसे यहाँ पे आपके घर में मम्मी लोग करते हैं, बोलो पैसे को नियंत्रित यहाँ पे कौन करता है? आपकी मम्मी लोग करते हैं, ठीक है। तो मम्मी के अपने तरीके, बैंक के अपने तरीके पैसे को नियंत्रित करने के, ठीक। अब अगर बात करें तो यहाँ पे इसी मौद्रिक नीति की देखरेख भी तो कोई कर रहा है, बात को समझो, यहाँ पे इसकी देखरेख भी तो कोई कर रहा है, कोई यहाँ पे आपका जो है इसको बार बार जो है चेक करता है, बोलो ठीक है आकांक्षा अश्मिता बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो देखरेख होती है, नोट कर लेना, ये देखरेख की जाती है एक समिति के द्वारा जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बोलो? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो आपके लिए एमपीसी होती है, समझिएगा, ये जो यहाँ पे आपके लिए एमपीसी होती है, इस एमपीसी के बारे में अगर बात की जाए, तो इस एमपीसी का मतलब है कि ये दो काम करेगा। क्या काम करेगा? मौद्रिक नीति पैसे को नियंत्रित कर रहा, समझ लेना फिर से, पैसे को कैसे नियंत्रित करेगा? चलो तो देखो, पैसे को नियंत्रित करना है ना, तो पैसे को नियंत्रित करने के लिए पहले तो भैया ये महंगाई को उतना कंट्रोल कर पाएगा, तभी तो पैसे को नियंत्रित कर पाएगा। तो ये महंगाई का जो आपके लिए रेट होता है वो नियंत्रित करता है। महंगाई का यहाँ पे रेट क्या होता है? महंगाई के रेट को यहाँ पे आपका नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का एक काम क्या है? महंगाई के रेट को नियंत्रित करना, महंगाई को नियंत्रित करना, ठीक। दूसरी चीज, महंगाई का टारगेट फिक्स करना। महंगाई का टारगेट फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी तो इस वर्ष 3% से ज्यादा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ 3% का? तो अगर मान लो, हाँ जी मैसेज जा रहे बेटा, नहीं ना मैसेज सबके जा रहे, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे आपके पास 100 रुपए थे, अब उसमें अगर 3% महंगाई बढ़ गई, तो आपके लिए पैसे यहाँ पे कितना पैसा बढ़ गया? 103 रुपए की वो सामान हो गया। 100 का जो था उसमें अगर 3% महंगाई बढ़ गई तो गुणे तीन, सॉरी प्लस तीन हो गया, तो 103 रुपया बढ़ा आपका महंगाई। तो ये काम तय करना होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का। पहले तो इतना बता दो, इतना क्लियर हो गया सभी? यहां तक अगर डाउट हो तो अभी पूछ लो, अगर यहां तक कोई भी डाउट हो तो अभी एक बार क्लियर कर लो, वरना कहो तो आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताना, अगर यहां तक क्लियर ना हुआ हो, समझ में ना आया हो, अभी पूछ, अभी जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? सबको क्लियर हो गया? ठीक है नेक्स्ट, ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सबको लगभग लगभग क्लियर हो ही गया है ना। अब देखो, अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो समझिए, इसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे कुछ सदस्य बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं आपके लिए? यहाँ पर कुछ आपके सदस्य बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे सदस्यों के बारे में, ठीक है, तो सदस्य जो है आपके, ये होते हैं कुल 6। कितने होते हैं बोलो? 6 सदस्य होते हैं जो कि मॉनिटरी पॉलिसी को आपका तय करते हैं। सर महंगाई कम रखने में क्या हर्ज है गवर्नमेंट को? महंगाई कम रखने में क्या हर्ज है गवर्नमेंट को? क्या हर्ज है गवर्नमेंट को, ये कौन सा सवाल है? महंगाई को नियंत्रित करने में क्या हर्ज है? अरे बाबा, अगर महंगाई आपके लिए कम नहीं करेगी, हाँ अगर महंगाई कम नहीं करेगी तो मुझे बताओ क्या आपको फायदा होगा? खुद सोचो ना, क्या आपको कभी कोई फायदा होगा? ठीक है अच्छा ठीक है, चलो अब सुनो। तो यहाँ पे कुल 6 सदस्य होते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई 6 लोग हैं जो एक काम क्या करते हैं, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाते हैं। दूसरा है कि वो महंगाई का टारगेट फिक्स कर देते हैं, जब जब उनकी कमिटी की यहाँ पे मीटिंग होगी तो वो फिक्स कर देंगे, भैया इतनी महंगाई होगी, ऐसे होगी। तो यहाँ पे होता क्या है आपके लिए कि जहां पे 3 अलग अलग सदस्य हैं, 3 सदस्य अलग से आते हैं, 3 सदस्य अलग से आते हैं, 3 सदस्य यहाँ पे आपका सरकार चुनती है, और 3 सदस्य जो है यहाँ पे आपका आरबीआई चुनता है। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सर इनको कंट्रोल आरबीआई करेगा या एमपीसी करती है? बेटा ये एमपीसी ही करती है अलग से, ठीक
ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आरबीआई के बारे में, तो नोट कर लेना, आरबीआई के जो वर्तमान समय के गवर्नर है, नोट कर लो, आरबीआई के जो वर्तमान समय के गवर्नर है, मुझे बताना वर्तमान हाँ शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड अवधेश, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बताओ कौन है। तो आप इनका नाम यहां पे लिखेंगे शक्तिकांत दास, क्या लिखेंगे, शक्तिकांत दास, ठीक है। तो अगर आपने यहां पे शक्तिकांत दास लिखा, मेरी बात को समझना, तो ये जो शक्तिकांत दास है ये 25वें गवर्नर है, आप कौन से हैं, 25वें, 25th गवर्नर है। और अगर मैं कहूं इसके अलावा, तो यहां पे आपके लिए एक डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, कौन होते हैं यहां पे, एक डिप्टी गवर्नर भी होते हैं प्यारे साथियों। और अगर मैं इनके बारे में बताऊं, तो यहां पे इनका नाम हो जाएगा माइकल पात्रा, बोलो क्या नाम हो जाएगा, माइकल पात्रा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गए माइकल पात्रा और ये हो गए आपके शक्तिकांत दास। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब समझते हो कि ये जो है आपका किसी एक विशेष यहाँ पे आपके टॉपिक के लिए तैनात की जाते हैं कि तुम्हारा काम महंगाई रोकना, तुम जो है नोट को देख लेना, ऐसे करके। तो उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब जो कार्य में आपका यहाँ पे निर्देश दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उनका अभी वर्तमान समय चेंज हो गए बेटा, इनका नाम है एम के सागर, बोलो क्या नाम है इनका, इनका नाम है एम के सागर, बोलो क्या नाम हो गया इनका, एम के सागर। तो ये है वो तीन व्यक्ति जो आरबीआई की तरफ से यहाँ पे आपके चुने जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, अभी सब सुरजीत अभी वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, याद करना है आपको तीन शब्द समझ के, बोलो कैसे याद करना है, समझ के। तो अगर आपने यहाँ पे शब्द याद कर लिया समझ के, तो आपको तीनों यहाँ पे नाम याद होगा, ठीक। अब इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे सरकार की तरफ से जो तीन सदस्य हैं उनके नाम सुन, एक नाम हो जाएगा आपके लिए जयंत वर्मा, क्या नाम हो जाएगा, जयंत वर्मा, ठीक है। एक व्यक्ति कौन है आपके, यहाँ पे हो गए जयंत वर्मा, ये तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का कार्य, क्या हो गया यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी का कार्य, ठीक है। एक कौन हो गए आपके यहाँ पे, जयंत वर्मा, ठीक है, शाबाश बेटा, हाँ शाबाश पुष्पांजलि। दूसरे हो गए यहाँ पे आपके लिए शशांक भिड़े, दूसरे कौन हो गए आपके, शशांक भिड़े, भिड़े, ठीक है। तो ये हो गए आपके लिए शशांक भिड़े। तीसरे हो गए यहाँ पे आपके लिए आशिमा गोयल, क्या नाम है इनका, आशिमा गोयल, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है ये, ठीक है, आशिमा गोयल, ये जो है आपकी जो वर्ल्ड बैंक है ना, आपका वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिस्ट रह चुकी है आशिमा गोयल, ठीक है। सर कलर चेंज कर दीजिए, कर दिया करिए, कौन सा कलर कर दे, चलो तुम ही लोग चूज कर लो, चलो आज देखें कौन सा कलर ज्यादा अच्छा है, बताना। तो चलो आज तुम लोग की एडवाइस पे काम करते हैं, जरा बताना कलर कौन सा चूज किया जाए, चलो भाई वही चूज करेंगे फिर व्हाइट, चलो ब्लू, ठीक है, जो नाम बताओगे, अच्छा जो आपका मन, ठीक है, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड ही अच्छा है, ग्रीन, सर पिंक ले लीजिए, सर आप अपने स्टाइल से, ठीक है, चलो भाई ऑरेंज ले लें, मिक्स कलर ले लें, हाँ ये वाला यहाँ पे आइडिया सही, ये चलो ठीक है। अब देखो यही देखो होता है तुम्हें और लड़कियों में, यहाँ पे देखो सभा ने बताया कि सर मिक्स ले लीजिए, पता है कि उसने कहा, उसने समझदारी से बात की, ये तुम लोगों मतलब वही है कि मतलब हम जो बता दें सर बस वही हो जाए, देखो उसने क्या समझ, उसने कहा कि सर अगर नाम है मान लीजिए वो अलग हो जाएंगे, हाँ समझो, ठीक है, इसलिए कहते हैं लड़कियां ज्यादा समझदार है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अब ये मत सोचना कि लड़के बेवकूफ है, तुम लोग ये भी सोच लोगे, हाल हमें पता है, तुम लोग के हाल तुम्हारा दिमाग यहाँ पे भी दौड़ सकता है कि सर ने कहा है कि लड़के बेवकूफ है, ऐसा सर ने नहीं कहा, ठीक है, हाँ हाँ निशान कह रहे सर बेबी पिंक समझो। तो यहाँ पे आपके लिए ये जो आशिमा गोयल है, समझिएगा, ये जो आशिमा गोयल है आपके लिए, ये जो है यहाँ पर आपके लिए तीन शब्द, ठीक। अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सज के समझ, बोलो क्या याद रखना है आपको, सज के समझ। तो अगर आप सज के समझोगे, तो आपको याद हो जाएंगे वो छह सदस्य जो कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के सदस्य, ठीक है। नहीं 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 ठीक है, उससे एक दो जगह पे, हर जगह थोड़ा विवेक कर पाएंगे, ये हमें पता है ना। तो सज के समझ, अब अगर मैंने कहा सज के, तो ये हो गए आपके सरकार की तरफ से यहाँ पे सदस्य, और समझ हो गए यहाँ पे आपके जो है, आपके जो है आरबीआई की तरफ से सदस्य, ठीक है। पहले मुझे बता दो ये ट्रिक, ये नाम, ये पॉलिसी, मैं कोई भी सवाल हो सवाल लिख के बोल दो, मैं अभी नोट करके बता दो, और अगर क्लियर है तो बता दो, मैं सवाल पूछ लू, जो हो, अगर बिल्कुल तैयार हो गया तो यस सर कर दो,
अगर सवाल है तो सवाल लिख के पूछो, ठीक है बेटा? ओके ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है बोलो, सच के समझ गए, बोलो सच के सटक गए, ठीक है समझ गए मतलब, ठीक है हाँ जी ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। दो सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? दो सवाल पूछूंगा, दोनों सवालों में आपके लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी को ही रखी, आरबीआई के सर मेंबर रिपीट कर दीजिए, ठीक है बेटा? अभी कर देंगे आपके लिए। और कोई सवाल, और कोई डाउट इसके अलावा? बस ठीक, चलो अब समझ लो। तो यहाँ पे अगर मैंने कहा आरबीआई के लिए आपके जो सदस्य होंगे वो होंगे कुल छह, सॉरी आरबीआई के होंगे तीन सदस्य, इन तीन में एक होता है गवर्नर का पद, सर जयंत वर्मा, शशांक गोयल सदस्य हैं इनके, पोस्ट क्या क्या है इनकी, पोस्ट नहीं होती अश्मिता, ये आपके सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जैसे मैं आपको बताऊं कैबिनेट मंत्री हैं, सब मंत्री है ना, तो बस ये भी सदस्य हैं, इसमें आरबीआई के गवर्नर भी सदस्य हैं, केवल ये होता है कि गवर्नर जो है अध्यक्षता करता है, ठीक। तो ये जो गवर्नर है ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास, कौन हो जाएंगे बोलो? शक्तिकांत दास। और वहीं अगर बात करें डिप्टी गवर्नर के बारे में, अब तारीख अगर, अच्छा सैलरी मिलती है, हाँ ऑफ कोर्स मिलती है, पॉलिसी कमेटी सैलरी मिलती है, लेकिन इनकी सैलरी अलग टाइप से होती है, क्योंकि ये आरबीआई के सदस्य हैं भाई, नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ऐसा थोड़ा ना, ठीक, ये थोड़ा ना फ्री में कोई यहाँ पे आपका यहाँ पे वो सोचो कितने बड़े काम कर, तो उनको सैलरी मिलती है लेकिन अलग तरीके से दी जाती है, कई बार रेमुनरेशन दे दिया जाता है इस नाम से दिया जाता है, ठीक है, आने जाने का दे दिया जाता है, इस अलग अलग तरीके, जरूरी नहीं फिक्स सैलरी ही मिले, रेमुनरेशन दिया जाता है वैसे। तो अगर बात करें दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे माइकल पात्रा, दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे आपके लिए? माइकल पात्रा। एक हो गए माइकल पात्रा, एक हो गए शक्तिकांत दास, बात को समझना, एक हो गए माइकल पात्रा, एक हो गए शक्तिकांत दास, ठीक है। सर मेंबर में जे से कौन सा नेम होगा? अभी बेटा मैं पूरा एक बार फिर से क्लियर करूंगा, परेशान ना हो, बस ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा ये आपके लिए, लेकिन कोई नहीं, कम से कम याद हो गया मेरे लिए, ये खुशी की ज्यादा बात, ठीक है। सर इनका एग्जाम होता है या प्रमोशन, इनको बेटा अपॉइंट किया जाता है, ठीक, अपॉइंट मतलब आप जैसे अगर मैंने कोई, मान लो अगर मैंने क्या, मान लो मोदी जी ने कोई एक नई समिति बनाई, मोदी जी ने डायरेक्टली आपको चुना और समिति का सदस्य बना दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो माइकल पात्रा आपके डिप्टी गवर्नर है, एम के सागर जो है ये आपके लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये कौन हो गए आपके लिए? ये यहाँ पर आपके लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, ठीक है, हाँ ठीक है। और अगर बात करें आपसे तो इसको याद कैसे करोगे? समझ से, एक्स से शक्तिकांत दास, एम से माइकल पात्रा, जे से वेट अ मिनट, हाँ अरे नहीं, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, ना किसी ने ध्यान दिलवाया, नाम चेंज हो गया ना, जयंत वर्मा कौन है आप, अब एम के सागर है ना यहाँ पे, वेट अ मिनट रुको तो, अरे नहीं, यहाँ पे नाम ही गलत लिख गया, ठीक है, नाम ही गलत लिख गया इनका, वेट अ मिनट रुको, जयंत वर्मा है अभी, ठीक है, लेटेस्ट में यहाँ पे अभी हाल ही में जयंत वर्मा आपके चुने गए, ये याद रखो, ध्यान ही नहीं दिलाते तुम लोग का क्या लिखा है और मैं क्या तुम्हें ट्रिक पढ़ा रहा था, हाँ अपॉइंट करते, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आ गया आपके लिए जयंत वर्मा, ठीक है, वही मैं कहूँ आप लोग कंफ्यूजन कैसे हो, ठीक। तो ये होगा यहाँ पे आपके तीन सदस्य आरबीआई के, और आपके तीन सदस्य होगा यहाँ पे आपके लिए, नहीं, तो फिर जयंत वर्मा तो उधर ही हो गए ना, तो इधर थोड़ा होंगे ये, बेटा एम के सागर ही है, ये आपके लिए एम के सागर ही बने रहेंगे, एम के सागर ही है, बस यहाँ पर ट्रिक मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ट्रिक हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए, आप रुको ट्रिक थोड़ी सी अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि सदस्य चेंज हुआ है ना, यहाँ पे ट्रिक हो जाएगी आपके लिए एम एम एस, क्या हो जाएगी अब आपके लिए, ट्रिक हो जाएगी आपके लिए एम एम एस, ठीक। तो एम एम एस से यहाँ पे आपके लिए कौन हो जाएगा? एमएमएस हो जाएगा माइकल पात्रा, एम के सागर और इसके अलावा शक्तिकांत दास, ठीक है। अब जयंत वर्मा हट चुके हैं ना, तो यहाँ पे इनकी जगह वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए हो गए एमएमएस में कौन हो गए, यहाँ पे माइकल पात्रा हो गए, एम के सागर हो गए और शक्तिकांत दास हो गए। और वहीं अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो समझ में कौन कौन हो गया आपके लिए, ठीक है। सज के यहाँ पे क्या होगा, सज के क्या होगा, शशांक भिड़े, ए से अश्मा गोयल और जे से हो गए जयंत वर्मा, ठीक है। अब एकदम क्लियर हो गया, अब इसी के आधार पे सवाल पूछने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो, अभी इनके बारे में बताऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। अरे खाली पन्ना कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, चलो अब सवाल पूछते फटाक से। निम्न में से मौद्रिक नीति समिति के लिए कौन से कथन सत्य नहीं है? मौद्रिक नीति समिति के कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। नंबर वन, आप सुन लो, नंबर वन, ठीक है, सत्य नहीं है। नंबर वन, इसकी अध्यक्षता
इसकी अध्यक्षता शक्तिकांत दास करते हैं, इसकी अध्यक्षता शक्तिकांत दास करते हैं, दास करते हैं। पहला पहला है ठीक। दूसरा दूसरा हो जाएगा यहां पे आपके लिए इसके कार्य में महंगाई को नियंत्रित करना है, महंगाई को नियंत्रित करना है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा यहां पे आपके लिए हो जाएगा इसके द्वारा बैंकों को धन का आवंटन किया जाता है। ठीक, मेरे ख्याल से इंग्लिश तो नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है, हिंदी में पूरा क्लियर हो गया एक तरीके से। अगर हो इंग्लिश में दिक्कत तो बोल देना। हाँ बताओ बेटा क्या आंसर होगा। ठीक है ठीक है, शाबाश बेटा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, आवंटन, आवंटन का मतलब होता है बेटा अलॉटमेंट, आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट। ठीक है, आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट। बोलो सबने कर लिया ये क्वेश्चन, ये आपके लिए सवाल आते हैं। हालांकि एग्जैक्ट ये सवाल नहीं आएगा, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है, पैटर्न में होगा आपके लिए। या तो यहाँ पे कथन यहाँ पे आपका होगा कि कौन सा सही होगा, दूसरा होगा कि यहाँ पे कौन सा कार्य होता है, ये दो आपके लिए सवाल बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल सा बनेगा, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर है, इतना कठिन नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो आपके लिए यहाँ पे मेरा रिवीजन क्वेश्चन था। हाँ बेटा, जिन चार लोगों ने हाथ खड़ा किया वो एक बार सवाल पूछ लो, आंसर क्या हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसके द्वारा बैंकों का धन आवंटन किया जाए। ठीक है, बताओ एमपीसी कमेटी 2015 में। अच्छा बेटा, मैंने ये नहीं बताया एमपीसी कमेटी कब बनी थी, नोट कर लो इसको। तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, एक मिनट, तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये साल 2015 में यहाँ पे आपकी बनाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो इसके बारे में एक चीज जान लो क्या आखिरकार, तो इसकी जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है, इस एस्टैब्लिशमेंट के बाद से लेकर के और आज तक, मतलब करेंट टाइम में अगर बात कर ली जाए आपसे, तो लगभग लगभग यहाँ पे 15 क्या करोगे, है ना, 15 रखो इसको 2016 कर लो, ज्यादा सही 15-16 61 हो जाएगा, तो 2016 कर लो ज्यादा सही है। 2016 में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आखिरकार यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछा था वो ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ये किस, इसकी रिकमेंडेशन किसने की। दिव्यांश, अब चलो आगे बढ़ते हैं ना, अभी फिलहाल के टाइम यहाँ पर पास कम है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो समिति बनाई गई थी, ये समिति जो है यहाँ पे आपकी तारापुर समिति के आधार पर इसको निर्माण किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, तारापुर समिति के आधार पर इसका निर्माण किया गया। तो ये नोट कर लो अलग से कि ये समिति जो है आपके किसके कहने पे बनी थी, तो तारापुर कमिटी के आधार पे इसको बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शांति, सब लोग शांति बना लो। अच्छा, जो कट किया था दोबारा लिखा था बेटा, ये एमके सागर ही है, सेम वही है सब कुछ, केवल मैंने ट्रिक को चेंज किया है बस। ठीक है समीर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है वो तीन, नंबर वन है आशिमा गोयल, देखो कितनी बुजुर्ग है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स, ये है आशिमा गोयल। ठीक है, ये है शशांक भिड़े, ये आपके साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और लास्ट में है जयंत वर्मा, आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर है, आईआईएम के प्रोफेसर है। ठीक है सर, कह रहे सर देखने में ही माइंडेड लग रहे हैं, हाँ कह सकते हो। ठीक है, हाँ तो चलो इतना क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं बात करता हूं कभी भी आपसे कि यहाँ पे एक मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया क्यों गया, बात को समझो, किसी भी मौद्रिक नीति का लक्ष्य क्या है, अब वो समझो। तो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए मौद्रिक नीति का आपके लिए लक्ष्य क्या होगा, तो नोट कीजिएगा यहाँ पे क्या लक्ष्य है, व्हाट इज अ टारगेट, व्हाट इज अ ऑप्शन, व्हाट इज अ टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये अगर मान लो आपसे आ जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी का आपके लिए टारगेट क्या होता है, तो प्यारे बच्चों समझिए, सबसे पहली चीज कि अगर कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है, हाँ उसके लिए कैट के लिए नहीं होता, कैट के लिए तो कोई भी दे सकता है, कैट तो यहाँ कोई भी दे सकता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपके लिए, बोलो, पहला होगा यहाँ पे महंगाई को नियंत्रित करना। पहला क्या है आपके लिए, महंगाई को नियंत्रित करना। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको,
कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को यहां पे आपको कंट्रोल करना, ठीक। दूसरी चीज है मनी सप्लाई को नियंत्रित करना। दूसरी चीज है मनी सप्लाई को नियंत्रित करना, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ जाए तो महंगाई बढ़ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए तो आपके लिए महंगाई बढ़ जाए, ठीक। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे एक और चीज होती है, दाम को नियंत्रित करना, यानी कि आपका प्राइस को स्टेबल रखना। तो दाम को नियंत्रित करना, इसके अलावा यहाँ पे प्राइस को क्या करना, आपका स्टेबल रखना, प्राइस को स्टेबल रखने का काम यहाँ पे किया जाता है मौद्रिक पॉलिसी कमिटी के द्वारा, ठीक है। अब देखो समझना, यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कभी भी आपसे मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में, तो आपके लिए जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो और भी बैंक है जो डिसाइड करते हैं रेट को, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये आपके हफ्ते में 3 मीटिंग करता है सिर्फ उस पे, यहाँ पे उसी पे यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कि महंगाई कितनी होगी, ठीक है सर। क्या इसलिए सालों साल वैकेंसी नहीं निकलती है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा होगा। अच्छा, इसका उल्टा भी तरीका होता है, अगर लोगों के पास नौकरी नहीं होगी ना तो महंगाई भी नहीं होगी, समझो, तो मांग ही नहीं होगी बाजार में। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका ये मतलब सहमति से आपके लिए यहाँ पर जो है पूरे का पूरा कंडक्ट कराता, सहमति से जैसा सब लोग बोलेंगे वैसा कराया जाए। यूएस में जो है यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे हर एक मेंबर के पास अपनी वोटिंग पावर होती है, उससे डिसाइड होता है। बैंक ऑफ जापान में भी आपका सहमति से ही कार्य किया जाता है, जब सारे लोग कह देंगे उसके आधार पे काम। और यूरोप में आपका कंसेंसस चलता है, मतलब वही सहमति के आधार पे, ठीक है। तो केवल यूएस है जहां वोटिंग होती है, और इसके अलावा इंग्लैंड है जहां पे आपका वोटिंग होती है, बाकी सब पे अगर सहमति कंसेंसस बनेगा तो उसी चीज पे आपके लिए डिसाइड किया जाएगा, ठीक है सर। अगर इतना कुछ करते हैं तो ये बता दीजिए कि महंगाई लगातार क्यों बढ़ रही है। जमीन महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नंबर वन, एक तो अभी आपके पास यहाँ पे कोई खास जो है बात की जाए तो उत्पादन नहीं, मुझे बताओ सिर्फ जमीन एक कॉमन सी चीज है, नहीं याद नहीं करना, सिर्फ ऐसी बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ एक कॉमन सी चीज, अगर कोरोना में फैक्ट्रियां बंद रही तो क्या बाजार में सामान था, ठीक है। जमीन अभी यहाँ पे अभी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग जमीन बताओ, क्या यहाँ पे अगर कोरोना में फैक्ट्रियां बंद थी तो क्या उत्पादन हो रहा था, यस और नो? नहीं हो रहा था। अगर आपका उत्पादन नहीं हो रहा था, क्या बाजार में सामान था, बताओ क्या बाजार में सामान था? नहीं था। अगर बाजार में सामान नहीं था, और मुझे बताओ उसकी डिमांड तो सब लोग कर रहे हैं, ध्यान समझना, बाजार में सामान नहीं है और उसकी डिमांड ज्यादा है तो वो महंगाई बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? सिर्फ ये बता दो कि वो महंगाई बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, बता दो जमीर, फटाक से बताना बेटा। हाँ ठीक, क्लियर हो गया जमीर बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब देखो यहां पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहा है, तारिक ने पूछ दिया। देखो पेट्रोल के दाम के लिए तो यहाँ पर जो एक कंसेंसस है आपका, उसको हम लोग यहाँ पे ओपेक के नाम से जानते हैं। तो ओपेक ने कह रखा है कि जब तक कोरोना रहेगा हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, अब जब उत्पादन नहीं है फिर वही बात, तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें आपसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, अब समझना मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे तय करने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास, क्या है? एक तो जो मैंने अभी आपको बताया, तब से बताता चला आ रहा हूं, इंटरेस्ट रेट को नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना? ब्याज दर को यहाँ पे क्या करना आपका, नियंत्रित कर। तो या तो ब्याज दर को नियंत्रित कर लो, और दूसरी चीज होती है आपकी यहाँ पर कि आप जो है अपने पास कुछ पैसा अपने पास रोक लो, सीधे सीधे आपने ब्याज दर से नहीं कहा, आपने कहा अच्छा छोड़ो यार 10 लाख पे बार बार तुमसे ब्याज दर ले रहे, छोड़ रहे, एक काम करो 20 लाख दे दो, ठीक है हमारे पास रख दो, जाओ तुम्हें जो करना वो करो, तुमने वैसे तुमने उसका पैसा कम कर दिया, आ रही समझ में, ठीक। तो जब इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है तो ये तीन प्रकार से आपका माना जाता है, तीन प्रकार से, ठीक है। लगभग आज यहाँ पे आपका कंप्लीट ही करा देंगे अगर मॉक टाइम मिलेगा तो। तीन तरीके से जब आप यहाँ पे नियंत्रित कराते हैं, उसमें पहला तरीका होता है आपके लिए रेपो रेट। पहला तरीका क्या होता है आपके लिए? रेपो, ठीक है। तो ये जो रेपो रेट है, रेपो रेट के अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे एक और इसी का जस्ट उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है आपके लिए? रिवर्स रेपो रेट। इसका देखो मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ, ये देख रहे हो। तो जब मैंने कहा आपसे रेपो रेट और इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट, तो मतलब मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट को घटा बढ़ा रहा, इतना समझ में आता है हमें, ठीक। और वहीं अगर बात करें आपसे तो यहां पर अब ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, समझिएगा,
ठीक है, ये आपके लिए होता है केवल कुछ दिन के लिए, मान लीजिए ये होता है 15 दिन के लिए, कितने दिन के लिए होता है 15 दिन के लिए, ठीक 15 दिन ना मानो तो 30 दिन तक मान लो, 30 दिन तक हो ही जाता है, ठीक। अब मान लो तुम्हें एक दिन के लिए पैसा चाहिए, बात को समझ, अब तुम्हें एक दिन के लिए उधार चाहिए तो रेपो रेट तो तुम पहले 30 दिन का ले चुके, अब तुम 30 दिन से पहले ही आ गए कि सर जरा एक दिन के लिए उधार दो, अभी बेटा क्लियर कर देंगे इसको, ठीक है। तो तुमने ले लिया यहाँ पे एमएसएफ, क्या ले लिया बोलो, एमएसएफ ले लिया, इसको हम लोग यहाँ पे आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको यहाँ पे हम लोग आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये है एमएसएफ, ठीक, एमएसएफ हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये क्या है, ये केवल एक दिन के लिए होता है, अगर एक, देखो बेटा एक एक चीज एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने एमएसएफ लिया तो ये एक दिन के लिए उधार लिया जाता है, अगर रेपो रेट लिया तो आपने 30 दिन के लिए उधार लिया। अब जरा मुझे बताना कि आपने ले लिया यहाँ पे एक साल से ज्यादा के लिए उधार, कितने साल के लिए, एक साल से ज्यादा के लिए पैसा लिया, तो फिर ना इसको रेपो रेट बोलोगे ना इसको एमएसएफ बोलोगे, फिर आप यहाँ पे इसके लिए जो शब्द यूज करोगे वो हो जाएगा बैंक रेट, वो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, बैंक रेट हो जाएगा, ठीक। इसी को देख लो, इसी को यहाँ बदला जाता है, एमएसएफ देखो, एमएसएफ कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए, रिवर्स रेपो रेट लगभग लगभग 30 दिन के लिए, 15 से 30 दिन के लिए, बैंक रेट आपका लंबी अवधि के लिए होता है, यानी कि 30 साल तक ये आपका यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक। अगर इन तीन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता दो दिन के हिसाब से, ठीक। अब देखो यहाँ पे इन तीनों में एक चीज नोट कर लो, क्या, यहाँ पे पैसा जो है आपका ये आरबीआई और आरबीआई के अलावा बैंक के बीच में ही लिया दिया जाएगा, यहाँ पे केवल दो ही आपके लिए यहाँ पे सदस्य हैं, एक है आरबीआई और दूसरा है आपके यहाँ पे बैंक, बस। अगर इन दोनों के बीच में कभी भी पैसे का लेन देन होगा तो जिस दर पे होता है उसको यहाँ पे हम लोग अगर कहा जाए 30 दिन के लिए तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अगर एक दिन के लिए है तो एमएसएफ कहेंगे, अगर 30 साल के लिए है तो बैंक रेट कहेंगे। अब पूछ लो बेटा सवाल क्या आपका, जो भी अब डाउट हो वो पूछ लो, सर बैंक रेट और इनमें डिफरेंस क्या, बेटा बताना अवधि का, समय देखो ना, समय कितना डिफरेंस करता है, एक डिफरेंस और है वो भी बताऊंगा अभी। बैंक रेट को यहाँ पे हम लोग एक नाम और देते हैं, डिस्काउंट रेट कहते हैं, ये भी नोट कर लो, ये भी अच्छा तुमने याद दिला दिया। और कुछ सवाल हो पूछो, सर मॉनेटरी पॉलिसी ईयरली आती है या मंथली, क्वार्टरली आती है, अच्छा ये नोट कर लो यहाँ पे। अब आपके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है ना वो आपकी हर 4 महीने पे आती है, 4 मंथ्स पे आती है आपके लिए, और इसका मतलब यह हुआ कि यह आपकी क्वार्टरली आती है, कैसी आती है आपके लिए, क्वार्टरली आती है, लगभग 3 महीने के लिए मान लो, अभी कहोगे सर 4 नहीं, 3, ठीक है सर। रेपो रेट नहीं समझ में आया, देखो ये इतना समझ में आ गया कि चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे एमएसएफ हो और चाहे बैंक रेट हो, सब में एक ही चीज आएगी, वो है आपके लिए यहाँ पे आरबीआई और दूसरी चीज है बैंक। बोलो अब यहाँ पे मोहित बताएंगे, मोहित बेटा जिसको क्लियर नहीं हो पहले बताओ, ये चीज क्लियर हो गई, बताओ एक सिंपल सी चीज क्लियर हो गई आपके लिए, 4 बार हर साल, ठीक है आकांक्षा, ठीक है। तो यहां पे अगर बात की जाए आपसे, अगर मैं कहता हूं समझना, अगर यहाँ पे आपका आरबीआई पैसा देता है, अब इसको समझ लो यहाँ पे एक लाइन में, कि अगर आपका आरबीआई पैसा देता है और पैसा देगा तो रिटर्न में कुछ लेगा, बोलो रिटर्न में कुछ लेगा, तो रिटर्न में लेता है विश्वास, किसके आधार पे ये लेता है विश्वास, एक पेपर पे लिखवा के, पेपर को हम लोग इंग्लिश में बिल कहते हैं, बात को समझ लेना, पेपर को हम लोग इंग्लिश में बिल कहते हैं। अभी आएगी पुष्पेन, 2 मिनट का समझ लो, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग इसको बिल कहते हैं, और बिल के यहाँ पे किसका है, गवर्नमेंट का है, बात को समझो, बिल किसका है, गवर्नमेंट का है। तो जब गवर्नमेंट बिल के आधार पे यहाँ पे आपका आरबीआई ने पैसा दे दिया, तो ये जो पैसा जिस दर पे दिया, जिस रेट पे दिया, वो था वो क्या था आपके लिए, वो था रेपो रेट। और फिर भाई आज आपने पैसा ले लिया, कल चुकाओगे भी तो वापस, ध्यान से एक एक चीज को पहले सुनना तब सवाल पूछना मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब वो पैसा ले लिया और यहाँ पे उसको चुकाया, तो जब आपने बैंक ने वापस चुकाया आरबीआई को, अब मुझे बताना है यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा, रेपो रेट लगेगा या रिवर्स रेपो रेट लगेगा, पुष्पेंद्र राठी जी बताएंगे इसका जवाब। अभी देखो पुष्पेंद्र को समझ में नहीं आया, पुष्पेंद्र बेटा आपको मैं समझा के ही जाऊंगा, ठीक है। हाँ बोलो क्या कहेंगे इसको, सब लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि अगर मैंने कहा कि वो रेपो रेट था, जब आरबीआई ने पैसा दिया तो जब बैंक पैसा लौटाएगा, खुशमंद बेटा बताना तो यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, इसको हम लोग यहाँ पे आपका उल्टा कहेंगे, उल्टे का मतलब
रिवर्स कहेंगे। रिवर्स किसका? रेपो रेट का। तो सिंपल है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, पहले बताओ इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक, अभी समझा देंगे, तुम दोबारा समझाने बेटा पढ़ो, पहले मुझे बताओ ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर मैंने आरबीआई, सुन अब देखो रेपो रेट क्या, रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट। ठीक, अब पुष्पेंद्र यहाँ पे समझेंगे, पुष्पेंद्र रिप्लाई करेंगे। ठीक है राठी जी, एक बार रिप्लाई कीजिएगा, मुझे बताना पहले, ध्यान समझ। अगर मैं कह रहा हूं कि आरबीआई जो है अगर पैसा देगा तो एक निश्चित दर पे देगा, एक निश्चित रेट पे देगा। ठीक, तो यानी कि, हाँ जी अभी बता देंगे इसको, तो यानी कि अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि जब आरबीआई ने, समझना, जब आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया होगा तो जो इंटरेस्ट रेट दिया होगा क्या मैं उसको रेपो रेट बोल दूं? हाँ बताओ, पुष्पेंद्र बोलेगा। गुड आफ्टरनून पूजा बेटा, पहले बताओ पुष्पेंद्र, क्लियर हुआ ये चीज? फटाक से बेटा करो, अभी मैं सिर्फ आप ही को समझा रहा हूं इतने सारे बच्चों, ठीक है, फटाक से रिप्लाई किया करना। ठीक है बताओ, ठीक है, अब मैंने इसको अगर इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट का नाम दे दिया, अब समझना, अब वही पैसा जब बैंक लौटाएगा आरबीआई, वही पैसा जब लौटाएगा आरबीआई को, तो मुझे बता दो बेटा क्या मैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहूंगा या रेपो रेट कहूंगा, आप ही बताना। ठीक है सर, जब आरबीआई बैंक को लोन लेता है तो वो आरआर है, ठीक, बताओ पुष्पेंद्र बताएंगे, अभी पूरा पुष्पेंद्र का टाइम है आप, पुष्पेंद्र बेटा आप बताइए, कहेंगे रिवर्स रेपो रेट? ठीक है, अभी भी अगर आपको ना समझ में आ पुष्पेंद्र, आप फिर से कह देना सर नहीं आया, एक बार और फुल्ली छूट है, सवाल पूछने की फुल्ली छूट है, डाउट को क्लियर कर। ठीक है सर, एग्जाम में कोविड वैक्सीन रिक्वायर्ड होगा? हाँ जी होगा, कहीं दूसरों को ना कर दो इसलिए होगा। ठीक है अपने, चलो अब बात करते हैं, इतनी तो चलो समस्या हमारी खत्म हुई। तो अब बात कर ली मैंने आपसे इंटरेस्ट रेट के आधार पे, अब जरा आगे बढ़ते। अब देखो, जब मैंने कहा रिजर्व, पहले समझो रिजर्व होता क्या, ठीक है, नहीं बेटा अलग अलग होता है। ठीक है, वैक्सीन करवा लेना तारीख, कम से कम एक डोज लगवा लेना, एक शॉट लगवा के जाना, बुकिंग करा लो एक शॉट लगवा लेना। ठीक है, अच्छा करना क्या, अच्छा ये भी जान लो, चलो ठीक है टाइम भी कम है तो एक चीज और जान लो, जितने लोगों को कोविड का लगवाना है और वो लगवा नहीं पाए हैं, एग्जाम करीब है, अब उन्हें करना क्या, समझ लो, बुक नहीं हो रहा, मैं समझ लू, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है उमंग, कोविन नहीं करनी है, उमंग करनी है। ठीक है, उमंग करनी है आपको, और उमंग में आप जब इसको डाउनलोड कर लेंगे तो अपनी पूरी जानकारी जाके कोविन में, इसमें एक ऑप्शन है कोविन, इसमें जाकर के पूरी भर देना, समझ लो पूरी भर देना। ठीक है, वही कह रहा हूं, हाँ सुनो, तो यहां पर जब आप इसमें ये, जब आप कोविन का पूरी जानकारी भरोगे, फिर जैसे ही वैक्सीन आएगी, समझ लो जैसे ही वैक्सीन आएगी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास कि वैक्सीन आई है, आप यहां पे बुक करा लो। तो इस उमंग ऐप के माध्यम से जिन लोगों ने अभी भी आपका डोज नहीं लगवाई है, उनका ना केवल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा टाइम से, बल्कि उनके पता भी चल जाएगा कब वैक्सीन आती है। मुझे यहाँ पे डेली पता चलता रहता है कि आज यहाँ पे लखनऊ में कोविड शील्ड आई हुई है या कोवैक्सीन, डेली नोटिफिकेशन, डेली नहीं आता है, दो या तीन दिन के बाद आता है। ठीक है, बोलो सबको समझ में आ गया? अब आगे समझ लो, अब अगर देखो बात करें रिजर्व के बारे में, ये समझ लो ये थोड़ा सा अलग, पहले मुझे बता दो कि यहां पर आपके लिए रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज 100 बेसिस पॉइंट 1 लेस परसेंट। हाँ जी सर, मुझे कोविड हो चुका है, अब नेगेटिव है तो वैक्सीन नहीं लगेगी? नहीं बेटा रीमा, आपको वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, ऐसा थोड़ा ना कोविड से कोई वो हो गया, वैक्सीन तो दवाई तो लोगे ही ना उसकी, वैक्सीन तो, हाँ 1 लाख लोग लगवाएंगे। ठीक है ठीक है, चलो निशांत वैसे हो कहां से आप? अब देखो मुझे सिर्फ इतना बता देना कि अगर कोई महाजन आपके लिए, समझना, अगर कोई यहाँ पे आपके लिए जो महाजन होता है वो जब आपको लोन देता है, समझना, तो वो आपसे क्या कहता है, अच्छा गाजियाबाद, ठीक है वहां तो चलो हो सकता था, वो आपसे क्या कहता है, माइनस तो आपकी यूपी ट्रिपल एससी में, हाँ है माइनस, नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की है शायद, 0.25 ही है, हाँ 0.25, ठीक है हाँ, तो वो क्या कहता है कि कुछ अपना, कुछ 1/4, 0.25 तो अपने, वो क्या कहता है, मुझे कुछ पैसा यहाँ पे जमा करके चले जाओ, समझना, कुछ पैसा यहाँ पे जमा करके चले जाओ तब मैं तुम्हें लोन दूंगा। यही तो कहता है कि मेरे पास कुछ जमा राशि होनी चाहिए तभी मैं तुम्हें लोन दूंगा, क्यों कहता है वो इसलिए कहता है ताकि कहीं फ्यूचर में उसका पैसा डूब ना जाए। ठीक, तो ये तो बात हो गई एक महाजन के बारे में, अब उसी की जगह पे आप यहां पे रख दो आरबीआई को,
आरबीआई को यह चिंता नहीं है कि उसका पैसा डूबेगा, आरबीआई को चिंता इस चीज की होती है। अच्छा, उनको ठीक होने के बाद लगती है ना वैक्सीन, ठीक है, तो 3 महीने के बाद लगा देना, ठीक है। हाँ, सर्टिफिकेट के लिए आया, वही तो बता रहा हूँ अपने। अब देखो, जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे आपका कोविड हो गया, चलो पहले इसी पे आपको बताते हैं। अगर जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कोविड हो गया है, तो आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, तो आप उसमें अगर चाहे आपका एग्जाम हो तो आप जाके दे लो, लेकिन उसके बाद लगवानी पड़ेगी, ये जान लो, जितने उनको कोविड उनको बता रहे, ठीक। तो यहां पर जब आरबीआई को चिंता होती है आपके कस्टमर का पैसा ना डूब जाए, तो वो बैंक से क्या कहता है कि भैया एक काम करो, तुम जो है यहां पर कुछ पैसा मेरे पास रख दो, ताकि मान लो तुम्हारा यहाँ पे भरोसा नहीं, तुम मान लो कभी ना कभी तुम्हें अगर मान लो डूब गए तो बैंक से क्या कहता है कि कुछ कैश मेरे पास जमा कर दो। क्या जमा कर दो बोलो? कुछ नगद, कुछ कैश मेरे पास जमा कर दो। तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आपका, इसको यहाँ पे हम लोग आपका CRR के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अभी भी डाउट हो पूछ लो अभी, क्योंकि फिर मैं अगला समझाने जा रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो एक बार पूछ लो, एक बार और बताना है, मोहित फिर से समझो। देखो मोहित, मैंने क्या कहा कि अगर मान लो आप मोहित, आपका पैसा ICICI बैंक में जमा है, आपने मोहित ने जो है, हाँ जरूर हैप्पी, मोहित ने जो है वहां पर लो है, हैप्पी ने और मोहित ने दोनों ने मिलकर 2 करोड़ रुपया अपना जमा करा दिया ICICI बैंक, ठीक। अब अचानक से एक हफ्ते के बाद ICICI बैंक ने कह दिया कि हम तो लुट गए, ICICI बैंक ने कह दिया हम तो लुट गए, तो बताओ हैप्पी और हैप्पी के अलावा यहाँ पे मनीष का क्या होगा, मोहित का क्या होगा, बताओ। दोनों के दोनों अभी बताते हैं फ्लोर रेट, सीलिंग रेट क्या होता है, सबसे निचले रेट जहां से शुरू होती है वो रेट उसे फ्लोर रेट है, ठीक है। तो यहां पे बताओ क्या होगा, बताओ, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है भैया उनका तो पैसा चला गया, अब उनको पैसा कौन देगा, और आरबीआई के यहाँ पे नोट छाप के देगा, दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी नहीं भाई, बिजनेस है, बिजनेस की तरह किया जाएगा, ठीक। तो ऐसे में क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई क्या कहता है कि बैंक से कि एक काम करो, तुम्हारा हर दिन का कह रहा हूं, हर महीने का मान लो लगभग 40,000 करोड़ का तुम्हारा टर्नओवर है, 4% मेरे पास रखवा दो, ताकि यहाँ पे मोहित और अगर हैप्पी का पैसा कुछ डूबेगा तो उसमें से थोड़ा तो एटलीस्ट मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं। तो वो जो उसने अपने पास पैसा रोक के रखा बुरे समय के लिए, वो कहा गया कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन अगर बात करें तो यहां पे अगर बुरे समय में कैश तो हर समय काम नहीं आता, बोलो कैश कितना रख लो, ठीक है। तो यहां पर हाँ, तो यहां पर आपके लिए कई बार जो बिल होते हैं, बिल में अगर वो पैसा रखा है, या फिर अगर बात करें आपसे तो बिल के अलावा जो गोल्ड है उसमें पैसा रखा है, तो ये याद रख लो, ये CRR तो खुद आरबीआई अपने पास रखने को बोलता है। ये CRR किसके पास रखा जाता है? आरबीआई के पास रखा जाता है। लेकिन एक और होता है जिसमें आपको जो पैसा जमा करना है वो गोल्ड में, गोल्ड के अलावा स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये जो आपके लिए गोल्ड होता है, लिक्विडिटी रेशियो, तो ये जो आपके लिए गोल्ड होता है, बात को समझना, ये जो यहाँ पे गोल्ड में अगर पैसा रखा, या फिर जो अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर में पैसा रखा, तो ये जो गोल्ड में पैसा रखा है, जो प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होंगे यहाँ पे गवर्नमेंट के पेपर होंगे, तो गवर्नमेंट बिल में जो पैसा रखा है ये अगर बैंक अपने पास रख लेता है तो ये बन गया SLR। चीज वही है, केवल अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रख लिया। आरबीआई ने कहा भैया हमें नगद चाहिए, तो वो हो गया CRR। और वहीं अगर बैंक ने कह दिया कि काम करते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम लोग कैश नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे गवर्नमेंट बिल, हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे आपके लिए, हम लोग रखेंगे गोल्ड, तो ये बन गया SLR, ठीक। चलिए, तो ये था आज के लिए आपका टॉपिक। सब भौचक्के होके ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं आज क्या क्या पढ़ा दिया। आज आप लोगों को मुबारक हो, आप लोग इकोनॉमिस्ट बन चुके हैं, आप लोग को इस सर्टिफिकेट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आज के बाद आप लोग आरबीआई को अच्छे से समझ जाए, ठीक। अब कोई डाउट हो वो पूछ लीजिए। MCQ बेटा, आप देखो आज तो टाइम है नहीं, मैंने आपसे कह दिया था 2 तो सेशन लग ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक में MCQ कराएंगे, ठीक है। कोई डाउट या अभी भी दिमाग में कोई सवाल रह गया हो वो पूछो, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया। SLR का फुल फॉर्म लिख लो बेटा अस्मिता, स्टेटुटरी, STATUTORY, स्टेटुटरी। L से होगा लिक्विडिटी, L से लिक्विड लिख दो, LIQUID और ITY। CRR का प्रतिशत कितना आया आपके लिए? 4% बेटा, ठीक है। चलो, और कोई डाउट?
गवर्नमेंट बिल क्या होता है, बहुत आसान। देखो अगर किसने पूछा, उषा ने पूछा, देखो उषा ध्यान समझना, अगर उस पेपर को उषा ने जारी किया तो मैंने कह दिया उषा बिल, बड़ा आसान। और अगर यहां पे गवर्नमेंट ने जारी किया तो मैंने कह दिया गवर्नमेंट बिल। ठीक सर, सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से पढ़ाइए बेटा, और क्या टॉपिक के हिसाब से चल रहा है तारीख, ठीक है, ऐसा मत सोचना बिना टॉपिक के चल रहा है। जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। आरबीआई कब इंडिया में आया, 1934 में, 1935 में आया था, 34 में तो एक्ट आया था, 1935 में आया था। एसएलआर की क्यों जरूरत है बैंक को, एसएलआर की क्यों जरूरत है बैंक को, भाई मतलब बताओ कि बैंक भी तो लगातार हर दिन ट्रांजैक्शन करता है, लोन देता है। अब मान लो उसके पास पैसा पड़ा था 2 करोड़, ठीक, उसमें से उसने 1.5 करोड़ रुपया लोन दे दिया और उसमें से कस्टमर का ही वो 2 करोड़ था। अब मान लो कस्टमर को अगर यहाँ पे पैसा चाहिए हो और बैंक के पास होगा नहीं तो देगा कैसे, है बात, वाजिब बात है ना, ठीक है। चलिए चलिए, अब यहाँ पे आपके लिए ये सेशन होता है यहीं पे अंत। अब फिलहाल के लिए दीजिए मुझे यहाँ पे आ गया, अगली बार फिर से मिलेंगे, नमस्कार, थैंक यू।